कांग्रेस की सूची का इंतजार कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण और अहम अपडेट लेकर INS24 आपके सामने आ गया है। तय हो गए हैं कुछ नाम, उसको लेकर हम बात करेंगे। कौन उनके विरुद्ध बीजेपी से प्रत्याशी होगा, इस पर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण खास हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता गौरव शर्मा के साथ होगा। लेकिन सबसे पहले बिग ब्रेकिंग सुनिए कि क्या है बिग ब्रेकिंग। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सूची को लेकर दिल्ली में बड़े फैसले हुए हैं। आपको बता दें कि कई नामों को लेकर फैसला हो चुका है, कई अहम चीजें हो चुकी हैं, तो सबसे पहले उस बैठक का रुख करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने सहयोगी हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा का रुख करेंगे। गौरव, क्या हुआ है? सुनने में आ रहा है कि कई मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं, कई विधायकों के नाम तय हो गए हैं। सबसे पहले तो पृष्ठभूमि बताइए कि क्या बैठक हुई, कहां हुई, कैसे हुआ, क्या कुछ? देखिए, कल दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये तय किया गया पहले चरण में कि मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष समेत कुछ जो वरिष्ठ विधायक हैं उनके नामों पर सिंगल नाम पहले से तय कर लिए गए थे, उन्हें क्लियर कर दिया जाए। तो वो नामों को क्लियर कर दिया गया। बताना चाहेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि कैसी थी। छत्तीसगढ़ में जब प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, तभी हमने अपने दर्शकों के साथ इस बात की जानकारी साझा की थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव, तमाम मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शरणदास महंत और उपाध्यक्ष संतराम नेताम, इनकी टिकट लगभग तय है। तो इन सिंगल नामों को तय करने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने भी इन नामों को तय कर लिया है। इनके चुनाव लड़ने पर कोई संशय नहीं है। संशय एक सीट को लेकर है, एक मंत्री को लेकर है, उनका नाम है रुद्रगुरु। ठीक है, अभी आप कहीं मत जाइएगा, हम सभी विधानसभा वार चर्चा करेंगे कि अब किसके बीच लड़ाई रोचक होगी। मुख्यमंत्री के विरुद्ध कौन चुनाव में उतरेगा, उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध कौन उतरेगा, तमाम ऐसी सीटों को लेकर हम विमर्श करेंगे जहां जहां भी हो गई हैं, लगभग सभी जगह हो गई हैं। लेकिन एक और अपडेट है गौरव कि 11 सीटों पर उम्मीदवारों के पुनर्विचार की भी जानकारी है, वो क्या जानकारी है? निश्चित रूप से सूची का मिलान किया गया। केंद्रीय चुनाव समिति के पास अलग सर्वे रिपोर्ट्स हैं और प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी के पास में अलग रिपोर्ट्स हैं। तो रिपोर्ट्स के मिलान में कुछ सीटों पर ये माना गया कि ये जो सिंगल नाम तय भी किए गए हैं उन नामों का मिलान केंद्रीय चुनाव समिति के नामों से नहीं हो पा रहा है, तो उसमें पुनर्विचार की बात कही गई है। हम याद दिलाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति निर्मित हुई थी। वहां पर भी हमने अपने दर्शकों को, हमारे प्रधान संपादक ने जानकारी दी थी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने, कि कुछ सीटों को वहां पर भी लौटाया गया। तो छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसी स्थिति बनी, सूची के मिलान नहीं होने की वजह से बनी। इनमें कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की भी सीटें शामिल है। गौरव, एक और अहम जानकारी है कि पीसीसी चीफ छत्तीसगढ़ दीपक बैज को लेकर अभी तक चुनाव मैदान में उतरेंगे नहीं उतरेंगे, इसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। क्या चल रहा है, क्यों ऐसा अभी तक निश्चित नहीं हो पाया, या क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है? देखिए, दीपक बैज चित्रकोट सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद में बस्तर से वो सांसद का चुनाव भी जीते। इसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया तो राजमन बेंजा वहाँ पर विधायक बने। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि ये इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनावी मैदान में होंगे तो जो बाकी प्रत्याशी चुनावी मैदान में, उनके प्रचार प्रसार या प्रबंधन की स्थिति में कैसे मदद मिल पाएगी, या कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं होगा। इस वजह से असमंजस की स्थिति है। उनके जीत हार को लेकर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है और उनके परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने उन्हें दूसरी बार टिकट भी दिया था, वो जीते भी थे। और जो सर्वे रिपोर्ट्स की भी बात है, तो सर्वे रिपोर्ट्स में दीपक बैज के परफॉर्मेंस को बेहतर माना गया। ये माना गया कि वो अगर चुनाव लड़ते तो वहाँ पर परिणाम बेहतर होगा। लेकिन बाकी प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाना भी है, इस वजह से इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति कि उन्हें लड़ने के लिए कहा जाए या लड़वाने के लिए कहा जाए। दोस्तों, एक और जरूरी अहम खबर सामने निकल कर आई है। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की थी उसमें अंबिकापुर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ विरुद्ध अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं हो पा रहा, ऐसी ही पेंच कुछ फंसती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जब कांग्रेस प्रत्याशी उतारने की बात कह रही है। हम बात कर रहे हैं सबसे चर्चित सीट, दूसरी चर्चित सीट राजनंदगांव की, जहां से प्रत्याशी हैं डॉक्टर रमन सिंह और उनका पर्चा भरवाने के लिए खुद गृहमंत्री आ रहे हैं। विशाल जनसभा होगी, फिर पर्चा भरेंगे डॉक्टर रमन सिंह। क्या हुआ राजनंदगांव में गौरव कि अभी तक प्रत्याशी चयन नहीं हो पा रहा? देखिए, राजनंदगांव में 3 प्रमुख जो नाम है वो ये है। वहां से जितेंद्र मुदलियार जो है पूर्व विधायक और झीरम घाटी में शहीद हुए उदय मुदलियार के पुत्र हैं, उनको भी एक मजबूत दावेदारी उनके सामने आई है। उनकी माता को भी टिकट दिया गया था 2013 में, लेकिन 2018 में करुणा शुक्ला वहां पर जाकर चुनाव लड़ी थी और ज़्यादा अंतर नहीं रहा था, 17,000 वोटों का अंतर रहा था। इसे मुख्यमंत्री के खिलाफ काफ़ी कम माना गया था। और वहां पर जो वर्तमान महापौर है हेमा देशमुख, उनका भी नाम है।
साथ ही साथ युवा नेता और पर्यटन मंडल के सदस्य निखिल द्विवेदी का भी नाम है। तो ये तीनों जो नाम है उसमें से जीतू मुदलियार, जितेंद्र मुदलियार और निखिल द्विवेदी जो है वो युवा चेहरे हैं, जबकि हेमा देशमुख जो है वो शहर की महापौर है। ऐसे में तीन मजबूत नाम है, इनके बीच में ऐसे नाम का चयन करना है कांग्रेस पार्टी को जो डॉक्टर रमन सिंह को सीधी टक्कर दे सके, उनके खिलाफ बेहतर वातावरण कांग्रेस के पक्ष में बना सके, तो इसमें पेच फंसा हुआ है। तो आपने सुना कि आखिर डॉक्टर रमन सिंह के सामने कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। अब आपको जल्दी जल्दी हम सभी बताते हैं, सभी विधानसभा वार चर्चा करते हैं कि जिन मंत्रियों के नाम तय हुए हैं उनके विरुद्ध कौन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रहेंगे। सबसे पहले गौरव हम मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल की सीट पर आएंगे पाटन से। खबरें ये हैं कि भूपेश बघेल, बीच में खबरें आई कि कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी क्या नई लेटेस्ट जानकारी सामने निकल कर आई है और उनके विरुद्ध कौन है, कैसा मुकाबला हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात की लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और लगातार वो बयान भी दे रहे हैं कि वो पाटन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। पाटन उनकी कर्मभूमि रही है। पाटन पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कका भतीजा चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल को कका का ही उपनाम मिला, लोगों ने उन्हें प्यार से कका संबोधित करना शुरू किया। और ये संयोग ही है, यह प्रयोग भी है बीजेपी की कि वहां पर से उनके ही भतीजे विजय बघेल को चुनाव मैदान में उतारा। विजय बघेल अब तक उनके खिलाफ दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और 2008 में उन्हें मात भी दी थी। भूपेश बघेल चुनाव हारे थे पहली बार पाटन सीट से और अब एक बार फिर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पाटन से टिकट दिए, तो कका भतीजा के बीच मुकाबला होगा। इसलिए ये जो सीट है वो बेहद हाई प्रोफाइल बनी हुई है और पूरे प्रदेश की निगाहें पाटन सीट पर है। पाटन सीट पे, और आपने देख लिया कि कैसा मुकाबला होगा और क्या पास्ट में हुआ था, क्या समीकरण बन रहे हैं। अब दूसरी सीट का हम रुख करेंगे, उप मुख्यमंत्री अंबिकापुर का हम रुख करेंगे। अंबिकापुर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उप मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, क्या है? उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ अब तक अनुराग सिंहदेव चुनाव लड़ते रहे हैं दो बार, लेकिन अभी तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नामों का ऐलान नहीं किया है। वहां पर मजबूत प्रत्याशी तलाशने की जो भारतीय जनता पार्टी की कवायद है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री हैं और 14 सीटें जो है सरगुजा की उन पर सीधा प्रभाव माना जाता है टीएस सिंहदेव का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रयास है कि उन्हें अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में सीमित करने के लिए किसी मजबूत प्रत्याशी की तलाश की जाए, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। चलिए, तो अंबिकापुर की बात कर ली, अब हम चलते हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की सीट में जो कि दुर्ग ग्रामीण है। दुर्ग ग्रामीण में क्या टक्कर होने वाली है गौरव, और कैसे कुछ क्या पास्ट रहा, क्या कुछ चल रहा है? ललित चंद्राकर को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। ललित चंद्राकर जिला अध्यक्ष भी है और पहले भी उनकी भूमिका जो रही है वो सक्रिय भूमिका रही है। ताम्रध्वज साहू की अगर बात की जाए तो वो बेमेतरा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन दुर्ग ग्रामीण से उन्होंने पिछले बार चुनाव लड़ा। दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सांसद भी रहे, तो इस नाते सभी संसदीय क्षेत्र के जो विधानसभाएं हैं वहां पर उनकी सक्रियता रही और इस वजह से इस बार भी विचार किया गया कि क्या वे दुर्ग ग्रामीण से ही लड़े कि किसी अन्य सीट से उन्हें मैदान में उतारा जाए, लेकिन पार्टी ने पाया कि दुर्ग ग्रामीण सीट उनके लिए मुफीद है, एक बार फिर से उन्हें वहां उतारा जाए। तो दिलचस्प जो मुकाबला है वो दुर्ग ग्रामीण सीट पर देखने मिलेगा। तो आपने सुना, तीन सीटें हमने कांग्रेस की तय बता दी, पाटन, अंबिकापुर, दुर्ग ग्रामीण। अब हम चौथी सीट का रुख करेंगे। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा पल पल नजर बनाए रखे हुए हैं, हर एक जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, किसके बनाम किसका मुकाबला होने वाला है। चौथी सीट पर हम आते हैं, चौथी सीट है साजा रविंद्र चौबे, यहां से मंत्री हैं और इनके विरुद्ध गौरव कौन उतर रहा है, क्या होगा मुकाबला और क्या है समीकरण? देखिए, रविंद्र चौबे साजा से उन गिने चुने प्रत्याशियों में शामिल हैं जो अपने राजनीतिक जीवन का 9वां या 10वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। और इस बार उस चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है। साजा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर साहू को टिकट दिया। ईश्वर साहू बीरनपुर में जो घटना हुई थी उसके पीड़ित के पिता हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि इसमें ध्रुवीकरण का प्रयास किया जाए, सीधे सीधे रविंद्र चौबे और उनके समर्थकों को इस घटना का दोषी ठहराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही वजह है कि इसको लेकर पूरे प्रदेश में एक वातावरण बनाने की कोशिश भी की गई। हालांकि रविंद्र चौबे लगातार उस क्षेत्र में जाते भी रहे, सक्रिय भी रहे और
उनका ये जो है वो जैसे कि मैंने कहा कि 9वीं या 10वीं बार वो चुनाव में उतर रहे हैं, तो बेहद मजबूती के साथ वो अपना मुकाबला लड़ेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी होगी। बिल्कुल गौरव, तो हमने बात कर दी साझा में कौन है पक्के प्रत्याशी, किसके बीच होगा महामुकाबला। अब हम चलेंगे कवर्धा, यहाँ से मोहम्मद अकबर परिवहन आवास एवं पर्यावरण वन कानून मंत्री है, बहुत सारे विभाग है इनके पास गौरव, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही कुछ मजबूत चेहरे को लाने की कोशिश की है। आप आगे आए, जैसे आप खबरों में आगे रहते हैं, और बताएं कि क्या समीकरण यहां बन रहे हैं। देखिए, जो कवर्धा का रास्ता है वो भी साझा से होकर गुजरता है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से साझा में समीकरण बदलने और बनाने की कोशिश की गई थी, इसी तरह की सीट कवर्धा भी है। कवर्धा में भी 2-2.5 साल पहले एक घटना हुई थी, और उस घटना के बाद में सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ा था, और कहीं ना कहीं उसमें ध्रुवीकरण की कोशिश भी हुई थी। तो उस ध्रुवीकरण को एक बार फिर से बरकरार रखने की जो कोशिश है वो भी इस चुनाव में की जा रही है। विजय शर्मा को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। विजय शर्मा प्रदेश महामंत्री हैं और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो मुखर आवाज है हिंदुत्व की। जबकि कहीं ना कहीं मोहम्मद अकबर के साथ कई तरह की आरोप लगाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, तो ऐसे में सबकी निगाहें कवर्धा सीट पर भी टिकी होगी। और अब हम आते हैं सबसे चर्चित मंत्री की सीट में, कोंटा की हम बात कर रहे हैं, आबकारी मंत्री कवासी लखमा की सीट, इनकी भी टिकट तय है। और हम अब गौरव का रुख करेंगे और जानेंगे कि कोंटा में कौन कवासी लखमा के साथ ताल ठोकने के लिए मैदान में उतर रहा है। देखिए, स्वयं मुका को वहां से चुनाव में उतारा है, इसके पहले धनीराम बारसे वहां से चुनाव लड़ा करते थे, इस बार स्वयं मुका पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। कवासी लखमा के संदर्भ में एक बात ये भी कही जाती कि जिन कोंटा विधानसभा के जिन स्थानों में कोई पहुंच नहीं पाता, वहां तक के भी इस बार कवासी लखमा ने पहुंचने की कोशिश की। कुछ क्षेत्र ऐसे रहे जहां 20 साल के अपने पॉलिटिकल करियर में अपने संसदीय जीवन के पहली बार कवासी लखमा पहुंचे, तो इस बार उन्होंने काफ़ी मजबूत तैयारी की हुई है। कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा जो हैं वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, और वो भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, तो ऐसे में दोनों पिता पुत्र लगातार अपने क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करते रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वयं मुका कितनी चुनौती दे पाते हैं, कितना कड़ा मुकाबला हो पाता है, इसको लेकर वहां पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, और इसलिए ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट बन जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि स्वयं मुका कितना टक्कर दे पाते हैं कवासी लखमा को। तो हमने डिस्क्लोज कर दी 6 सीटें हमने आपको बता दी कि कहां कहां, पाटन, अंबिकापुर, दुर्ग ग्रामीण, साजा और कोंटा। अब हम आते हैं 7वीं सीट पर जो की है आरंग, यहाँ पर शिव कुमार डहरिया शहरी प्रशासन मंत्री हैं जो आरंग सीट से ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। गौरव, यहाँ क्या होने वाला है? देखिए, आरंग सीट भी बेहद हाई प्रोफाइल है, और आरंग सीट से दो प्रत्याशियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो मंत्री शिव डहरिया ही हैं, शिव डहरिया भी पहले अपना विधानसभा क्षेत्र बदल चुके हैं, और आरंग के पहले विधायक हुआ करते थे रुद्र गुरु, जिन्होंने अपना क्षेत्र बदलकर नवागढ़ कुछ किया था, तो कहीं ना कहीं इस बार भी वहां पर हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। और मुकाबला जो है वो इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि सतनामी समाज के गुरु जो हैं बालदास साहब, उनके पुत्र गुरु खुशवंत साहब को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर सीधी चुनौती मंत्री शिव डहरिया को दे दी है। हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश शिव डहरिया की ओर से भी की गई, उन्होंने भी सतनामी समाज के जो गुरु हैं उनको प्रवेश कराने की कोशिश की, प्रवेश कराया भी कांग्रेस में, लेकिन इसका कितना असर हो पाता है ये इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो इस तरह से आरंग सीट भी जो है वहां पर गुरु खुशवंत साहब और शिव डहरिया के बीच बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। तो आरंग की बात हमने कर ली, अब हम चलेंगे डोंडी लोहारा, यहाँ से अनिला भेड़िया को कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। डोंडी लोहारा में क्या होने वाला है गौरव? यहाँ से अनिला भेड़िया महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री। भेड़िया परिवार का डोंडी लोहारा में काफी वर्चस्व रहा है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी चुनाव लड़ते रहे, लेकिन जिस प्रत्याशी देवलाल ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है वो किसी जमाने में कांग्रेस में रह चुके हैं, कांग्रेस में लंबे समय तक राजनीति की, लेकिन मोह भंग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने रुख किया और अब उन्हें टिकट दिया। काफ़ी तेज तर्रार माने जाते हैं और काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, जबकि अनिला भेड़िया की अगर छवि की बात की जाए तो काफ़ी सौम्य मानी जाती है, और महिला एवं बाल विकास मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए भी काफ़ी काम उन्होंने किए, तो निश्चित रूप से इस सीट में भी दिलचस्प एक मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा। अगली सीट का हम रुख करेंगे कोरबा, जयसिंह अग्रवाल, काफी इनका नाम चर्चित रहता है मीडिया में, अपने तरह तरह के बयानों को लेकर, गतिविधियों को लेकर चर्चित रहते हैं, और अब हम आते हैं कोरबा का रुख करते हैं, यहाँ पर जयसिंह अग्रवाल आ रहे हैं गौरव, और इनके साथ क्या?
दबंग और तेज तर्रार मंत्री जय सिंह अग्रवाल निश्चित रूप से राजस्व विभाग दिया गया और राजस्व महकमे में काफी अच्छा उन्होंने काम भी किया। लखनलाल दिवांगन को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। लखनलाल दिवांगन की भी एक मजबूत पृष्ठभूमि रही है, संघ और आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से आते हैं, और निश्चित रूप से चूंकि राजस्व मंत्री के रूप में अपने क्षेत्र में भी काफी काम उन्होंने किया है जैसा कि मैंने कहा, और लखनलाल दिवांगन की भी पृष्ठभूमि काफी रही, तो यहां पर भी कड़ा मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने मिलेगा। तो बात कर दी हमने कोरबा की, हमने आपको बता दिए 9 जगह जहां पर कांग्रेस के कौन प्रत्याशी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कौन से प्रत्याशी होंगे। अब हम चलेंगे 10वीं जगह, उमेश पटेल उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा रोजगार कौशल मंत्री खरसिया की हम बात कर रहे हैं। गौरव, खरसिया में क्या है मुकाबला, कैसे होगा मुकाबला? खरसिया की जनता आज भी नंद कुमार पटेल के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को भूल नहीं पाई है। ये एक ऐसी सीट है जहां पर अपराजय मानी जाती है कांग्रेस, यहां से लगातार नंद कुमार पटेल चुनाव लड़ते रहे। सरपंच से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और गृह मंत्री तक बने, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लगातार खुद भी चुनाव जीते और उसके बाद उनके पुत्र उमेश पटेल लगातार चुनाव जीत रहे हैं। यहां से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को मैदान में उतारा था लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस बार ओपी चौधरी रायगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और उमेश पटेल जो हैं वो खरसिया से चुनाव लड़ रहे हैं। महेश साहू स्थानीय कार्यकर्ता को वहां से टिकट दी है और ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ के आधार पर ही टिकट दी गई कि वहां के स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, तो शायद जो अपराजय सीट है वहां पर कांग्रेस को विजय मिले, और यही वजह है कि पहली सूची में ही महेश साहू का नाम क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, तो खरसिया भी तय हो गई। अब हम चलते हैं सीतापुर, जहां से अमरजीत भगत खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं। क्या होगा इनका, किससे मुकाबला होगा? गौरव, सीतापुर की बात करते हैं, हॉट सीट है, चर्चित मंत्री अमरजीत भगत भी हैं, तो यहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं, किन किन के बीच रोचक मुकाबला होगा? जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 3-4 चुनावों से नहीं जीत पा रही है उन सीटों में एक सीट सीतापुर का भी है, जहां पर लगातार अपराजय बने हुए हैं अमरजीत भगत, और इस बार उनके तिलिस्म को तोड़ने के लिए राम कुमार टोप्पो जो पूर्व सैनिक हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी हैं लेकिन इस बार जो भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने वो राम कुमार टोप्पो पर जताया है। लगातार राम कुमार टोप्पो अपनी नौकरी छोड़कर आने के बाद से ही प्रचार अभियान में लगे हुए थे और लगातार गांव-गांव जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे और इसे देखते हुए उन पर भरोसा भी जताया है। ठीक है, तो सीतापुर के बाद हम चलते हैं 12वीं जगह कोंडा गांव, जहां से मोहन मरकाम जो कि हालिया में पीसीसी पूर्व अध्यक्ष थे और अभी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया। गौरव, क्या होगा कोंडा गांव में, किसके बीच है दिलचस्प लड़ाई? लता उसेंडी और मोहन मरकाम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी मैदान में ये कमोबेश तय है कि लता उसेंडी और मोहन मरकाम ही मैदान में होंगे। एक बार जीत भी चुके हैं, एक बार हार भी चुके हैं दोनों ही प्रत्याशी, तो इस बार किसकी किस्मत खुलेगी ये देखना होगा। और कोंडा गांव जो है बस्तर की कुछ जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, हॉट सीटें, उसमें एक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा कड़ा मुकाबला होता रहा, तो इस बार भी ये तय है कि जो मुकाबला होगा बेहद कड़ा और दिलचस्प होगा। ठीक है, अब हम आते हैं 13वीं सीट में, आखिरी महत्वपूर्ण गुरु रुद्र कुमार की सीट में। कुमार लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी ग्रामोद्योग मंत्री हैं, अहिवारा की हम बात कर रहे हैं। क्या चल रहा है गुरु रुद्र कुमार को लेकर, संशय भी हुए लेकिन अब ऐसी खबरें हैं गौरव की कांग्रेस से बड़ा मैसेज देना चाह रही है कि भूपेश कैबिनेट मजबूत कैबिनेट है और अपने प्रत्याशियों के साथ उतरेगी, तो अगर ये अहिवारा से उतरते हैं तो इनका किसके बीच मुकाबला होगा, क्या सारी चीजें रहेंगी? देखिए, जिस सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा की गई वो अहिवारा की सीट और नवागढ़ की सीट रही। वर्तमान में अहिवारा से रुद्र गुरु विधायक हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनको इस बार जो टिकट दी जाए वो नवागढ़ सीट से दी जाए। नवागढ़ सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ से गुरदयाल बंजारे जो हैं उनकी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से रुद्रगुरु चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अहिवारा की अगर बात की जाए तो अहिवारा में भारतीय जनता पार्टी ने डोमन लाल कोरसेवाड़ा को टिकट दी हुई है और नवागढ़ में भी नए प्रत्याशी उतारने की जो तैयारी है वो हुई है, तो कहीं ना कहीं नवागढ़ और अहिवारा जो है दोनों सीटों से अभी तक के मंत्रणा जो है वो की जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है, कुछ नेताओं का ये कहना है कि रुद्रगुरु को अपनी वर्तमान सीट से ही चुनाव मैदान में उतरने चाहिए, जबकि रुद्रगुरु स्वयं चाहते हैं कि वे नवागढ़ से चुनाव मैदान में उतरें। ऐसे में ये लगभग तय है कि वो नवागढ़ से उतरेंगे लेकिन फिर भी उसमें कुछ असमंजस की स्थिति और कुछ फंसा हुआ है पेज। तो हमने आपको 13 नाम बता दिए कि कांग्रेस पार्टी से क्या क्या रहेंगे, आपको प्रतीक्षा होगी कि सूची कब आएगी ये भी जरा बता दो। तो गौरव, कब आएगी सूची? देखिए, हम अपने दर्शकों को लगातार पिछले 1.5 महीने से इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस की सूची के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस भी अपनी सूची के लिए जल्दबाजी नहीं कर रही है और पितृपक्ष के समापन के बाद आदिशक्ति की आराधना का जो पर्व है नवरात्रि, उसके पहले दिन
कांग्रेस की सूची सामने आएगी और तब एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को यही जानकारी साझा करेंगे। जो नाम हम बता रहे हैं वो सूची में भी होंगे। चलिए खबर का बोनस भी दे देते हैं हम कि वचन पत्र को लेकर कांग्रेस की क्या अपडेट है, जो भी होगा एग्जैक्ट हम आपको बताएंगे। वचन पत्र को लेकर अभी तक क्या अपडेट है? देखिए कांग्रेस यहां पर जन घोषणा पत्र की ही तरह एक बार फिर से तैयारी करने जा रही है और कई बड़े वादे जो हमने अपने दर्शकों को भी बताए हैं, बिजली बिल हाफ करने का विषय हो, उसमें विस्तार का विषय हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में विस्तार का विषय हो, चाहे सिलेंडर जिस पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त लगी हुई है महंगाई से निपटने की उपायों पर, तो कांग्रेस का जब जन घोषणा पत्र आएगा तो उसमें ये तमाम बातें जो हैं वो शामिल होंगी। सिलेंडर कम कीमत पर मिलेगा, बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार भी होगा और साथ ही साथ न्याय योजनाओं का भी विस्तार उसमें देखने मिलेगा। न्याय योजनाओं का विस्तार मिलेगा, लेकिन कांग्रेस जिन प्रत्याशियों के साथ होती है तो क्या जैसा वो अपेक्षित कर रही है उसे न्याय मिलेगा? बहरहाल देखने का विषय होगा जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है 7 तारीख को, उसके बाद 17 तारीख को मतदान होंगे, फिर उसके बाद 3 दिसंबर को होगी मतगणना और जैसे ही पिटारा खुलेगा वैसे ही निकलेगा कि किसकी बनेगी सरकार। आपको क्या लगता है कि ये 13 जो हमने नाम बताए हैं इनमें प्रत्याशियों का कैसा रोचक मुकाबला होगा, क्या कुछ होगा? अपने विचार भी साझा करें। और एक चीज महत्वपूर्ण है जिसे आप दिमाग में बैठा लीजिए कि INS 24/7 प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी हमारे सभी संवाददाता पुख्ता ठोस और जो भी सच खबरें उन्हें दिखाते हैं। इसलिए फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू सो मच।